हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेलकम टू द अल्फा एस एकेडमी एंड वी आर बिगनिंग अ न्यू सीरीज टुडे दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट. इट विल बी अराउंड अ 8 लेक्चर सीरीज एंड विल कवर द डिजास्टर मैनेजमेंट इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे एंड लीडिंग टू योर मेंस एंड प्रीलिम्स कवरेज एज वेल. तो आपको जो भी डाउट्स हों और उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखें एंड वेलकम टू द न्यू सीरीज. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. तो लेट्स बिगिन. पहले हम लोग डेफिनेशंस पढ़ेंगे. देखो डेफिनेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं. लोग निगलेक्ट करते हैं ओवर द टाइम डेफिनेशंस की इंपॉर्टेंस को. ठीक है, जब तक आप एक फॉर्मल डेफिनेशन नहीं लिख पाओगे तो बड़ा, देखो लिखने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप एक फॉर्मल डेफिनेशन लिखोगे तो बहुत अच्छा लगता है एग्जामिनर को भी, है ना. तो पहले हम इकोलॉजिकल बैलेंस की बात कर लेते हैं, है ना. तो इकोलॉजिकल बैलेंस क्या हुआ यार? अब हमारे अराउंड क्या है? इन्वायरमेंट है, है ना. इन्वायरमेंट में डिजास्टर आ जाएंगे, है ना. डिजास्टर से क्या होता है? रिस्क पोज होता है लाइफ को, प्रॉपर्टी को. अभी आपने देखा कि मल्लापुरम में, सॉरी तेलंगाना में जो रिजर्वायर से पानी आ रहा है बाहर, ठीक है, कितना बड़ा वो थ्रेट हो गया, कितनी प्रॉपर्टी डूब चुकी है. असम फ्लड्स देखे आपने, सिलचर में जहाँ कभी बाढ़ नहीं आई वहाँ बाढ़ आ गई. अब अच्छा उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट फिर भी पानी कहीं से तो आया ना, और क्यों आया, इसी चीज़ को हम स्टडी करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट. तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों बोला गया है मैनेज? क्योंकि इसको आपको मैनेज ही करना पड़ेगा. डिजास्टर को कभी भी आप रोकना बहुत मुश्किल है, आप मिटिगेशन पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं. दस इकोलॉजिकल बैलेंस क्या हुआ कि जो हमारे अराउंड इकोलॉजी है उससे हम बैलेंस में रहें, या जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हम डेवलपमेंट भी करें लेकिन ऐसे करें कि भैया आने वाली जनरेशन को दिक्कत ना हो, हमें दिक्कत ना हो, कोई भी डिजास्टर ना हो. ठीक है, नेचर जो है वो तो भरा हुआ है रिसोर्सेज, ऐसा थोड़ा ना कि आप उस रिसोर्सेज को निकालते जाओ, है ना. बड़े अच्छे किसी ने कहा था कि हमने इनहेरिट, वी हैव नॉट इनहेरिटेड समथिंग फ्रॉम आर फोर फादर्स बट वी हैव बोरोड दिस अर्थ फ्रॉम आर फ्यूचर जनरेशंस. तो दैट्स द काइंड ऑफ थिंकिंग वी नीड टू डेवलप एंड यू नो वी नीड टू फोकस इन दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना. एंड हर चीज़ को टाइम देता. देखो आप एक्सरसाइज करते हो, आपकी मसल टूटती है तो बॉडी को भी टाइम चाहिए कि वो अपने आप को, देखो मसल्स को वापस अपने आप को रिकवर कर सकें. इसीलिए अब जो रिकवरी है, रिकवरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना. ऐसा नहीं कि आप काम करते रहो तो वो खराबी हो जाएगी. तो रिकवरी हैज़ बिकम ओवर द टाइम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जो भी आप लोग एथलेटिक्स में होंगे उनको पता होगा कि रिकवरी की कितनी इंपॉर्टेंस है. इसीलिए इसी प्रकार से हमारी जो मदर अर्थ है उनको भी रिकवरी की बहुत ज़रूरत होती है ओवर द टाइम, क्योंकि इतना एक्सप्लॉयटेशन कर चुके होते हैं. तो ठीक है, लेट इट सेटल डाउन एंड लेट अस गो अकॉर्डिंग टू द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ. कैरिंग कैपेसिटी होगी अर्थ एक बारी में कितने लोगों को होस्ट कर सकती है ना. भाई हमारे घर में आज मैं कहूँगा अगर घर में 100 मेहमान आ जाएं तो आप उनको उतना अच्छी तरीके से होस्ट नहीं कर पाएंगे ना जितने 4 या 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, क्योंकि हर किसी के घर में उसी प्रकार से रिसोर्सेज होते हैं. 100 लोगों के लिए किसी प्रकार से रिसोर्सेज नहीं होते हैं, ठीक है. उसको बड़ा वो बनाना पड़ता है, ठीक है, या बड़ा इवेंट रखना पड़ता है उसके लिए, ठीक है. तो दस दैट्स वाई वी नीड इकोलॉजिकल बैलेंस, है ना. तो थोड़ी सी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं. रिसोर्सेज यूज्ड अप आर रिप्लेनिश्ड, एक्सेस आर चेक्ड ऑल नेचुरली थ्रू द बायो जियोकेमिकल साइकिल, है ना. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, सॉइल का रिजुविनेशन, है ना. जैसे भी सदगुरु जी को जो लोग फॉलो करते होंगे, है ना. आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीबडी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बट देन यू नो पीपल हु आर डूइंग गुड थिंग्स वी कैन ऑलवेज अप्रिशिएट देयर वर्क, है ना. जैसे वो अभी सेव द सॉइल कैंपेन चला रहे हैं, उससे पहले उन्होंने सेव द रिवर कैंपेन चलाया, ठीक है. वो कितनी सक्सेसफुल थी या कितनी सक्सेसफुल नहीं थी वो तो टाइम विल टेल, बट यू नो अ थॉट इज़ वेरी नेसेसरी टू डेवलप थिंग्स, है ना. तो बायो जियोकेमिकल्स हो गए, फूड चेन्स, वेब्स एंड अदर नेचुरल फिलोमिना. दस एक जो इक्विलिब्रियम बना रहता है नेचर में उसी को हम इक्विवेलेंस या इकोलॉजिकल बैलेंस बोलते हैं, ठीक है. फिर डिजास्टर क्या हुआ? डिजास्टर क्या हुआ बड़ा लोग सोचते हैं, ठीक है. तो डिजास्टर क्या है? अनडिजायरेबल अकरेंस है, ठीक है. डिजायरेबल नहीं, कोई नहीं चाहता, मैं आप कोई नहीं चाहता कि डिजास्टर हो. हम लोग सब चाहते हैं कि अच्छे से रहें, बट इट इज़ अ अनडिजायरेबल अकरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम फोर्सेज दैट आर लार्जली आउटसाइड ह्यूमन कंट्रोल, ठीक है. स्ट्राइक्स क्विकली विद लिटिल और नो वार्निंग विच कॉजेज और थ्रेटन्स सीरियस डिस्ट्रप्शन ऑफ लाइफ, क्योंकि उसमें लॉस ऑफ लाइफ होता है, कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है. देन प्रॉपर्टी का नुकसान होता है बहुत ज़्यादा, है ना. डेथ होती है, इंजरी होती है, कितने और कितना बड़ा वो आपको क्या बोलते हैं मैनेजमेंट क्राइसिस हो जाता है उस समय, कि आपको इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना होता है, इतनी आपकी फोर्सेज को भेजना पड़ता है, है ना. जैसे केदारनाथ में जो 2013 में ट्रेजेडी हुई, ठीक है, उसमें आपको कितना रिसोर्सेज मोबिलाइज करना पड़ा. इनफैक्ट
इवैक्यूएशन के दौरान एक हेलीकॉप्टर ही गिर गया, उसमें पायलट्स की डेथ हो गई। तो सोचिए कि डिजास्टर कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और हम आगे जाते देखते जाएंगे किस टाइप के डिजास्टर होते हैं, किस टाइप से हम उनको मैनेज कर सकते हैं, कौन मैनेजेबल है, कहाँ हमें मिटिगेशन फैक्टर लगाने हैं। तो ये सब हम इस लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड रिक्वायर्स देयरफॉर मोबिलाइजेशन ऑफ एफर्ट्स इन एक्सेस ऑफ दैट विच आर नॉर्मली प्रोवाइडेड बाय द स्टैचुरी इमरजेंसी सर्विसेज, ठीक है। देन हैजार्ड क्या हुआ, देखो हैजार्ड हो गया और रिस्क हो गया, है ना। ये सब चीज़ें जो है, हम अलग अलग चीज़ें होती है, देखो हैजार्ड अलग है, रिस्क है। देखो सिगरेट इज स्मोकिंग सिगरेट इज हैजार्डियस टू योर लाइफ, है ना। तो वो हैजार्ड है, मतलब उससे जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दस इट इज़ अ फिजिकल फिनोमिना डेट पोज अ थ्रेट टू द पीपल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक एसेट्स विच मे कॉज अ डिजास्टर, ठीक है, विच मे कॉज अ डिजास्टर, ठीक है। देन वनरेबिलिटी बोले तो मतलब आप लोग कितने उस चीज़ से इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कितने आप लोग जो है क्या बोलेंगे उसको, वनरेबल हैं, या मतलब नाजुकपन है आपके अंदर, या कितना इफेक्ट करेगी कोई भी चीज़ आपको, तो उसको बोलते हैं वनरेबल। तो इट इज़ एक्सटेंड टू विच अ कम्युनिटी स्ट्रक्चर सर्विस और ज्योग्राफिक एरिया इज़ लाइकली टू बी डैमेज्ड और डिस्टर्बड बाई द इम्पैक्ट ऑफ पर्टिकुलर हैजार्ड, है ना। जैसे अर्थक्वेक आ गया तो उससे आप कितने इफेक्ट हो सकते हैं, तो आपकी वनरेबिलिटी चेक होगी, है ना। जैसे सदर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे अभी मैप देखेंगे, इसी लेक्चर में हम लोग अर्थक्वेक का मैप देखेंगे, तो देखेंगे कि कितना जगह है वहाँ पे जोन टू में है, कि वहाँ अर्थक्वेक आने के बहुत कम चांसेस है, या अगर आएगा भी तो बहुत कम स्केल का आएगा और उससे वो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बट हम देखेंगे कुछ कुछ रेड एरियाज हैं जहाँ पे हैजार्डियस की वनरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो मतलब वहाँ पे ज़्यादा लोग वनरेबल हैं उस पर्टिकुलर डिजास्टर से, ठीक है। देन आप सेकेंड टाइप की वनरेबिलिटी होती है इकोनॉमिक वनरेबिलिटी। देखो ये देखा गया है कि जो पुअर फैमिलीज हैं वो थोड़ा सा डिजास्टर प्रोन एरिया में ज़्यादा रहते हैं, या सेटलमेंट्स में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सेफ और मोर एक्सपेंसिव प्लेस में नहीं रह सकते, तो वो लोग ज़्यादा वनरेबल रहते हैं डिज़ास्टर में। जब मतलब इट इज़ वेरी लाइकली देन व्हेन अ डिज़ास्टर हिट्स इट विल हिट द पुअर फर्स्ट। देन देयर इज़ फिजिकल वनरेबिलिटी, ठीक है। फिजिकल वनरेबिलिटी मतलब देर आर वुडन होम्स आर लेस लाइकली टू कोलैप्स इन एन अर्थक्वेक बट आर मोर वनरेबल टू फायर। लाइक एग्जाम्पल जापान, जापान इज़ अ कंट्री वेयर अर्थक्वेक अकर्स फ्रीक्वेंटली एंड दस इट बिकम्स वेरी इंपेरेटिव दैट द मटेरियल स्ट्रक्चर और द काइंड ऑफ डिजाइनिंग ऑफ द हाउसेज दैट टेक प्लेस आउट देयर इज़ वेरी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप वुड के जो घर हैं वो आप जहाँ आग बहुत ज़्यादा लगती है वहाँ नहीं लगा सकते, तो ऐसे लिए आपको चेक करना पड़ता है, उसके लिए आपको डाटा चाहिए। डाटा से आप कुछ इम्पेरिकली डिराइव करेंगे और उससे आप जो अपनी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज सोशल वनरेबिलिटी। ऐसा पाया गया कि चिल्ड्रन, एल्डरली, विच पीपल विच आर लेस एबल या डिफरेंटली एबल आर अनएबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड इवैक्यूएट इफ नेसेसरी, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी अनलाइकली इन अ सिचुएशन दैट they will be able to evacuate themselves, they need help at times, that's why the forces are mobilized as soon as a disaster strikes। क्योंकि जो भाई जो बहुत देखा बार देखा गया कि आपने देखा होगा कि भाई बूढ़े लोग हैं, व्यक्ति जो चल नहीं सकता कैसे अपने आप को इवैक्यूएट करेगा, तो सोशल वनरेबिलिटी बहुत हाई होती है कुछ लोगों की, ठीक है। देन व्हाट इज़ रिस्क, रिस्क हो गया कि मेजर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉसेज ड्यू टू द हैजार्ड इवेंट अकरिंग इन अ गिवन एरिया ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है। और रिस्क मतलब देखो अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो रिस्क इज हैजार्ड इनटू वनरेबिलिटी, ठीक है। हैजार्ड को वनरेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिस्क बनता है। और कैपेसिटी क्या है, किसी कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, कैपेसिटी हो गया कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी तैयारी कितनी है डिजास्टर से लड़ने के लिए, दैट इज नोन एज द कैपेसिटी। इनफैक्ट कैपेसिटी, वनरेबिलिटी और रिस्क ही देखेंगे हम, डिजास्टर इज अ इंटरप्ले ऑफ ऑल दिस। डिजास्टर जो है इन तीनों का ही एक टाइप का मिश्रण है, ठीक है। तो कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट्स एंड रिसोर्सेज अवेलेबल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी और सोसाइटी टू मैनेज एंड रिड्यूस डिजास्टर रिस्क एंड स्ट्रेंथन रेजिलियंस, ठीक है। ओवरव्यू देख लेते हैं डिजास्टर का। देखो मैंने आपको बताया था कि हैजार्ड, रिस्क और वनरेबिलिटी को अगर हम मिला दें, इनके मिश्रण से ही डिजास्टर बनता है, है ना। इनके कॉमन अगर हम ले लें वहीं पे डिजास्टर बनता है ना, ये वेन डायग्राम हमने इसको मैथमेटिकली डिराइव कर दिया है, ठीक है। तो हैजार्ड में हम क्या क्या आ जाएंगे, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, ये मोर एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, है ना।
कहीं कभी नहीं सोचा था कि सिलचर में बाढ़ आ जाएगी, लेकिन आ गई। अब वो उसको एट्रीब्यूट किया जा रहा है कुछ कुछ लोगों की गलत हरकतों से, बट उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बट आया तो आया है ना, और बहुत जगह ऐसा होता है, चलो वहाँ पर सिलचर की तो अलग कहानी है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया कि बहुत जगह पे हैजार्ड आ जाते हैं, यहाँ पे नहीं आने चाहिए। एंड हैजार्ड मतलब अब हर डिज़ास्टर जो है बढ़ रहा है ना, फॉरेस्ट फायर्स ओवर द ईयर्स बढ़ी हैं, अर्थक्वेक्स ओवर द ईयर्स बढ़े हैं, है ना, फ्लड्स ओवर द ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और इंडिया तो इज़ अ वेरी फ्लड प्रोन कंट्री है ना, आप चले जाओ नीचे, आप बिहार से स्टार्ट करो तो नीचे फ्लड ही फ्लड आता है पूरे में, ठीक है। और इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लानिंग फेलियर फॉर अस, अ पॉलिसी फेलियर फॉर अस, बिकॉज हम लोग अर्बनाइज तो कर रहे हैं बट वी आर नॉट डूइंग अ अर्बनाइज प्लानिंग प्लानिंग प्लान अर्बनाइजेशन, एंड दैट्स वाई यू नो देर पानी की जो निकासी है वो बहुत कम है, पानी पहुँच ही नहीं पा रहा, पानी जमा हो जाता है सिटीज़ के बीच में ही। दस देर इज़ अ ऑलवेज अ रिस्क, और ठीक है वल्नरेबल सोसाइटी में आपको बताई दिया पॉपुलेशन ग्रोथ है तो उसकी वजह से ज़्यादा लोग जो हैं वल्नरेबल हो जाएंगे, अर्बनाइजेशन है उसकी वजह से मैंने आपको बताया प्रॉब्लम है, बैड प्लानिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़, है ना, पता ही नहीं है पानी निकलना कहाँ से, बस जाने की जगह है, निकलने की जगह नहीं है कहीं बार, ठीक है। तो इस टाइप से है, तो डिज़ास्टर होता कैसे है, तो ये जो हमने आपको बताया कि हैजार्ड रिस्क वल्नरेबल सोसाइटी, ये जो है हमारी डेफिनेशन नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन की डेफिनेशन है कि ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन है डिज़ास्टर। दैट मीन्स डिज़ास्टर इज़ अ रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फैक्टर्स सच एज एक्सपोजर टू हैजार्ड्स, कंडीशन ऑफ वल्नरेबिलिटी डेट आर प्रेजेंट, एंड इनसफिशियंट कैपेसिटी और मेजर टू रिड्यूस और कोप विद द पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, जो उसका कॉन्सिक्वेंस है आप उससे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं या उससे आप फाइट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एज पर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो हमारा अपना एक्ट है, डिजास्टर की क्या डेफिनेशन है, इट मीन्स अ कैटेस्ट्रॉफ मिसहैप क्लैमिटी इन एन एरिया अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल और मैन मेड कॉज विच रिजल्ट्स इन अ सब्सटैंशियल लॉस ऑफ लाइफ और ह्यूमन सफरिंग और डैमेज टू एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड इज ऑफ सच अ नेचर और मैग्नीट्यूड एज टू बी बियॉन्ड द कोपिंग कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द इफेक्टेड एरिया। मतलब ऐसा कोई कैटास्ट्रॉफ जिस नेचुरल या मैनमेड जिससे कि लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान हो और इट लीड्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वी आर अनएबल टू कोप एज अ कम्युनिटी इन दैट एरिया ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम विद ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो स्पेटियल मतलब टाइम भी जो है इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, क्योंकि विद टाइम तो थिंग्स विल इम्प्रूव बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम वी आर नॉट एबल टू कोप, मतलब सुनामी आए हम भाग नहीं पाए वहाँ से, है ना, या हमारा इवैक्यूएट नहीं कर पाए पीपल्स को, तो दैट इज़ नोन एज द डिज़ास्टर, ठीक है। दस हैजार्डियस इवेंट्स क्या हुए, एंड एक्सट्रीम फिजिकल फिनोमिना सच एज एन अर्थक्वेक और फ्लड, वल्नरेबल पॉपुलेशन मैंने आपको बता दिया, और अगर हम इन सबको मैनेज कर पाए तो कोई डिज़ास्टर हो गया नहीं, बट इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। देन एग्रीवेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं डिज़ास्टर में, कि क्या चीज़ ऐसी हैं जो उस डिज़ास्टर को और ख़तरनाक बनाती हैं, तो वो है ओवर पॉपुलेशन एंड पावर्टी, गरीबी, रैपिड अर्बनाइजेशन, ट्रांजिशन इन सोशल प्रैक्टिसेस, इमिग्रेशन इज अनइवन एंड डिस्ट्रप्टिव, एक जगह बहुत ज़्यादा लोग जमा हो जा रहे हैं, एक जगह खाली पड़ी है, ठीक है। जो खाली पड़ी है ऑफकोर्स ही बात है जो वहाँ डिज़ास्टर का इफेक्ट होगा वो कम होगा, लेकिन जो जगह भरी हुई है वहाँ पे तो लॉस ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मान लिया अगर अभी दिल्ली में अर्थक्वेक आ जाए और मैं बोलूँ कि तो पोर्ट ब्लेयर का एग्जांपल लेते हैं, पोर्ट ब्लेयर में एट टाइम्स अर्थक्वेक आते रहते हैं छोटे मोटे, बट लॉस ऑफ लाइफ इज़ वेरी लेस। अगर दिल्ली में वो मैं बोलूँ 6 से 7 रिक्टर मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आ जाए तो कितना लॉस ऑफ लाइफ और इकोनॉमिक लॉस होगा, कितनी बिल्डिंग गिरेंगी, इट्स वेरी अनइमेजिनेबल, ठीक है। देन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को लीड जो डिग्रेडेशन कर रहे हैं वो एक एग्रीवेटिंग फैक्टर है। देन देर इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिज़ास्टर। देन देर इज़ वॉर एंड सिविल स्ट्राइक, है ना, अभी जो रशिया और यूक्रेन में चल रहा है उससे क्या है, वहाँ की जो नेचुरल वो है भाई, जब आप बंद गिराओगे तो नहीं सिर्फ बिल्डिंग गिरेगी, उसके अराउंड जो आपने पेड़ लगाए थे या नदियाँ हैं या जो भी हमारे इन्वायरमेंटल या क्या बोलते हैं संपदा है ना, वो उसको नुकसान होता है, तो वनस्पति है या पेड़ है तो सारी चीज़ का नुकसान होता है। वॉल एंड सिविल स्ट्राइक भी एग्रीवेटिंग फैक्टर है। इम्पैक्ट कैसा होता है डिज़ास्टर का, ठीक है। जनरल अगर हम बात करें तो ह्यूमन लॉस होता है, प्रॉपर्टी लॉस होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है, ये तो होता ही है, और मैं बोलूँ इमोशनल लॉस भी बहुत होता है, मतलब कई बार लोगों को सालों साइकोलॉजिकल लॉस होता है, कई बार लोगों को सालों लग जाते हैं किसी भी डिज़ास्टर से कोप अप करने में। देन सोशल में क्या है कि विक्सीशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, हाई इम्पैक्ट ऑन मार्जिनल सोसाइटी, है ना। देन साइकोलॉजिकल में है, WHO ने बोला है
कि वी हैव टू डेवलप अ फ्रेमवर्क, थ्री एक्शन प्रिंसिपल्स पे उन्होंने बोला कि आप जो है किसी फिजिकल लॉजिकल एड से पहले आप साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड प्रोवाइड करो, मतलब आप साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करो लोगों को डिजास्टर लर्निंग के, ठीक है आने वाला है फ्लड आने वाला है, मान लिया हमने फ्लड आने वाला है, लेकिन उसके लिए लोगों को मजबूत करो, उनको तैयार करो कि भैया देखो आने वाला है, तुम अब तीन स्ट्रैटेजी, उन्होंने बोला कि पहले आप देखो सुनो और लिंक करो। तो उन्होंने कहा कि आप इमरजेंसी सिचुएशंस को देखो कि हाँ होने वाली है, ठीक है आप जो अफेक्टेड पीपल हैं उनकी बात सुनो, ठीक है एंड जो इन्फॉर्मेशन और प्रैक्टिकल सपोर्ट है आप उसको लिंक करो आपस में। तो लुक लिसन एंड लिंक की स्ट्रैटेजी WHO ने दी, ठीक है। नाउ एज पर दी हाई पावर कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट ऑफ 2001 कैटेगराइज डिजास्टर सिचुएशन इन थ्री लेवल्स, मैनेजेबल कि हाँ ठीक है कर सकते हैं हम लोग, मैनेजेबल विद असिस्टेंट्स मतलब ठीक है थोड़ी असिस्टेंस चाहिए बट मैनेज हो जाएगा काम हो जाएगा, इन अ कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ मतलब बस कांड हो चुका है अब तो, मतलब अब जो है उसको रिकवर करना है वहाँ से, ठीक है वहाँ से जैसे क्या होता है कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं, मौसम ख़राब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ, पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ, तेज़ वर्षा होने से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ, तो ये क्या है, ये नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी डिजास्टर को मैनेज करने में, ठीक है वहाँ का वेदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स की बात करें तो बेसिकली दो टाइप के हमने डिवाइड किए हैं, ठीक है तो बेसिकली जो दो टाइप से डिवाइड किए हैं, नेचुरल और मैन मेड, है ना। नेचुरल हो गया जैसे जियोफिजिकल हो गया अर्थक्वेक जो धरती से जुड़े हुए हैं, सुनामी, वॉल्केनो। हाइड्रोलॉजिकल हो गए जो पानी से जुड़े हुए हैं जैसे फ्लड, लैंडस्लाइड्स, वेव एक्शन। मेट्रोलॉजिकल हो गए जैसे साइक्लोन, क्लाउडबर्स्ट, सैंडस्टॉर्म, लाइटनिंग, हीट एंड कोल्ड वेव, है ना, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे टेंशन मत लो, ठीक है। देन क्लाइमेटोलॉजिकल हो गए जैसे ड्रॉट और फॉरेस्ट फायर्स, है ना। बायोलॉजिकल हो गया एपिडेमिक्स, इंसेक्ट इन्फेस्टेशन, है ना। देन देर आर ह्यूमन मेड डिजास्टर जैसे न्यूक्लियर डिजास्टर, केमिकल डिजास्टर, बायोलॉजिकल डिजास्टर, रेल एक्सीडेंट्स, टेररिस्ट एक्टिविटीज, तो दिस आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज दी ह्यूमन मेड डिजास्टर्स, ठीक है। तो पहला नेचुरल डिजास्टर्स पढ़ लेते हैं, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थक्वेक को। तो अर्थक्वेक क्या है, है ना, भूकंप आ गया, ठीक है हिंदी में। तो अर्थक्वेक क्या है कि भाई धरती है हमारी, अब क्या है कि ये अगर प्लेट है, ठीक है, तो इसके थोड़ा सा मैग्मा है और जो ये हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, तो ये जो है आपस में ऐसे बहुत सारी प्लेट्स हैं, 7 मेजर प्लेट्स हैं, माइनर प्लेट्स बहुत सारी हैं, ठीक है। तो ये जो है आपस में इसके ऊपर चलती रहती हैं, तो जब ये चलती हैं तो टकराएंगी भी। कन्वर्जेंट बाउंड्री पे अर्थक्वेक आ जाता है, डाइवर्जेंट पे कई बार वॉल्केनो बन जाता है, ठीक है। तो आपस में टकराई तो क्या हुआ, स्ट्रेस बिल्ड होगा, भैया इतना बड़ा लैंडमार्क अगर आपस में टकराएगा, दो गाड़ियाँ आपस में टकराएं तो डेंट पड़ जाता है रोड पे। ये तो सोचो इतना बड़ा ह्यूज पीस ऑफ मास आपस में टकरा रहे हैं, है ना, क्रस्ट के, तो भूकंप तो आना ही है क्योंकि स्ट्रेस बिल्ड हो गया, तो वो स्ट्रेस कहीं तो रिलीज हो गई, तो जो है अर्थक्वेक आता है, ठीक है। दस अर्थक्वेक इज द रिलीज ऑफ एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस ऑफ द मूविंग लिथोस्फेरिक और क्रस्टल प्लेट्स, है ना। एंड 7 मेजर प्लेट्स हैं, बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं। मेजर कैसे करते हैं अर्थक्वेक को, अच्छा अर्थक्वेक का ओरिजिन टेक्टोनिक, मतलब ऐसे जो प्लेट्स हैं धरती से जुड़ा हुआ है वहीं से निकलते हैं, और वेव्स आती हैं, है ना, दो टाइप की वेव्स आपने पड़ी होंगी, पी वेव्स, एस वेव, उसका शेडो जोन होता है ना, वो लोग हम कभी और डिस्कस करेंगे, ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। देन मेजरमेंट देख लेते हैं, मेजर कैसे किया जाता है, दो टाइप से किया जाता है, एक तो रिक्टर स्केल से, एक अपना मर्कैली स्केल से। तो मर्कैली जो है ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मर्कैली जो इंटेंसिटी बेस्ड है, मेरे ख्याल से इसकी जो मैक्सिमम वो होती है वो 12 होती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो 1 से 10 तक होता है, और जो आप देखते हैं कि 5.2 का 5.5 का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, ये सब जो है क्या है, ये सब मैग्नीट्यूड्स में है, ठीक है। तो अगर अप टू 3 रिक्टर स्केल, अब तो ये मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पे बात कर रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड अगर 3 से कम का आता है तो देयर इज़ नो डैमेज, 3 से 5 का आता है तो क्रैक्स पड़ सकते हैं ओल्ड बिल्डिंग्स में, 5 से 7 का आता है तो रोड्स पे क्रैक्स पड़ सकते हैं, और अगर 8 से ऊपर का आता है तो बिल्डिंग आपकी कोलैप्स हो सकती है। तो मतलब 8 से ऊपर का तो, और ऐसे 10 की पावर में मल्टीप्लाई होता है, ये 1 नहीं होता है, मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो मतलब अगर 3 से 5 जा रहा है तो 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल हो गया, ठीक है, 10 into 10 बढ़ गया वो, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं अर्थक्वेक के, देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट, देखो डिजास्टर में 3 चीज़ तो आपको लिखनी है, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ इकोलॉजी या बायोडाइवर्सिटी, ये तो 3 कॉमन रहेंगे, 3 का नुकसान तो हर जगह होता ही है, बहुत कम ऐसे होते हैं जहाँ पे इन तीनों का नुकसान एक साथ नहीं होता, ठीक है। सोशो कल्चरल इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस क्या हैं कि जो हाई डेंसिटी वाले पॉपुलेशन वाले एरिया होते हैं वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट करता है।
फिजिकल प्रॉपर्टी को ही नहीं करता है, बट पॉपुलेशन ने जो अपनी कमाई होती है ओवर द ईयर्स, भाई मैंने ये मकान बनाया हुआ या मैंने ये ऑफिस खोला हुआ है, आज अर्थक्वेक आ जाए तो मेरे तो पूरे पैसे डूब गए ना, टूट गया ना, फिर मैं ओ माय गॉड की तरह वो लड़ता फिरूंगा इंश्योरेंस कंपनी से कि ये एक्ट ऑफ गॉड था या नहीं था। ठीक है, वैसे आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि अर्थक्वेक जो है एक्ट ऑफ गॉड है या नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि ओवर द ईयर्स बनाया, मेरे दादाजी ने बनाया, वो टूट गया, तो बहुत जो है इफ़ेक्ट करता है कोई भी डिज़ास्टर। और कहना आसान होता है कि चला गया, जिसका चला जाता है उसको पता होता है। ठीक है, इनफैक्ट अर्थ की मॉर्फोलॉजी और टोपोग्राफी चेंज कर देता है, कई जगह माउंटेन्स बन जाते हैं। देखा आपने कई बार अर्थक्वेक आता है और आपको देखता है कि समुद्र में एक आइलैंड बन गया, तो अर्थ की जो है टोपोग्राफी को चेंज कर देता है, फ्लो ऑफ रिवर्स को चेंज कर देता है। रिवर्स का भाई मान लिया कल तक ये रिवर ऐसे बह रही थी, आज यहाँ एक अर्थक्वेक आया, एक कुछ चीज़ नहीं खड़ी होगी, तो उसका रुख बदल गया, यहाँ सेटलमेंट थी कि सेटलमेंट को किसने, अब आया तो अर्थक्वेक, ये सेटलमेंट अर्थक्वेक की वजह से नहीं डूबी, लेकिन क्योंकि रिवर का कोर्स चेंज हो गया तो वहाँ वो फ्लड बन गया। तो ऐसे ही कई बार जो है, जैसे अर्थक्वेक से अभी हम सुनामी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, तो अर्थक्वेक से सुनामी जनरेट होती है, या वोल्केनो से सुनामी जनरेट होती है, अर्थक्वेक और वोल्केनो ना आए तो सुनामी भी शायद ना आए। ठीक है, तो एक वो बोलते हैं ना, हर चीज़ कनेक्टेड है, तो ये जो है आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, रिस्क इन अर्थक्वेक इंडिया कैसा, पहले मैप देख लेते हैं थोड़ा सा अर्थक्वेक इंडिया का। ये जो रेड वाले हैं, देखो यार ये तो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट हो गया, देन सम एरिया तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के जो बेल्ट आती है, देन पार्ट्स ऑफ गुजरात, ठीक है उधर इधर, तो ये तो बहुत हाई रिस्क वाले हैं। येल्लो में जो है, ब्लू वाले जो है सबसे सेफ हैं, येल्लो वालों में ठीक है आ सकते हैं कई बार, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, लेकिन रेड वाले तो बहुत ज़्यादा हैं। ये देखिए आप, अगर मैं इधर वाले मैप की बात करूँ आपको, ये देखो पूरी जो नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है, स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, देन पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जो पूर्वांचल वाले पार्ट्स हैं, देन नेपाल, भूटान, सिक्किम वाले जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, यहाँ पे जो हाईली, ये तो हाईली वो हैं ससेप्टेबल टू अर्थक्वेक हैं। ठीक है, तो ये तो मैप की बात थी। ठीक है, तो इंडिया जो है एज अ कंट्री बहुत रिस्की है। इंडिया में बड़े बड़े अर्थक्वेक आए, भोज आया, उत्तरकाशी अर्थक्वेक आया है ना, और इनफैक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस में एक अर्थक्वेक आया था जो 1950 में आया था, असम तिब्बत बॉर्डर पे कहीं आया था, उसका रिक्टर स्केल 8.6 था, तबाही मचा दी थी। गुजरात में जो भुज में आया था 7.7 था, और भुज में देखा था आपने कितने लोग मरे थे, तो सोचो कि यार 7.7 में ही, और हम बात करते हैं यार 8 का आ गया, 9 का आ गया, देखा नहीं है, बट चलो जिस दिन आएगा देखेंगे। तो और क्योंकि क्या है कि इंडो यूरोशियन जो प्लेट है, जो इंडो प्लेट है, वो यूरोशियन से टकरा रही है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है, अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, यूरेशियन प्लेट जो है टकरा रही है, इंडियन प्लेट जो है टकरा रही है यूरेशियन प्लेट में, कन्वर्जेंट बाउंड्री है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है तो अर्थक्वेक होगा। ठीक है, अर्थ क्योंकि स्ट्रेस बिल्ड होगा, कोई ना कोई तो किसी ना किसी को दबाएगा ही। ठीक है, तो इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा ससेप्टेबल है अर्थक्वेक का। कुछ अर्थक्वेक देख लेते हैं, 1897 में शिलोंग में आया था, 8.7 उसका मैग्नीट्यूड था, 1905 में कांगड़ा में आया था 8 मैग्नीट्यूड का, बिहार नेपाल बॉर्डर में आया था 8.3 मैग्नीट्यूड का, 1950 असम तिब्बत बॉर्डर पे आया था 8.6 का, गुजरात में भुज में 7.7 का। डिस्ट्रीब्यूटर पैटर्न क्या है, एल्पाइन, मैंने आपको दिखा दिया, एल्पाइन हिमालयन बेल्ट में सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल है वो। ठीक है, मैप हो गया हमारा डन, अब देख लेते चलो यार ये तो बात होगी, ये हो गया, कर क्या कह सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आप बिल्डिंग सही बनाए अपनी, तो इसलिए क्या कि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस प्रोवाइड की है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की, आप उसको पढ़ें। कुछ एरियाज हैं जहाँ वर्क किया जाना है, अवेयरनेस नहीं है लोगों में सिस्मिक रिस्क के बारे में। ठीक है भाई, आप अगर आपको पता है मैं जोन 5 में रह रहा हूँ अर्थक्वेक के, तो मुझे पता होना चाहिए कि यार मुझे वैसा ही घर बनाना है कि कल को अर्थक्वेक आए तो 7-8 का ये घर जो है अर्थक्वेक झेल ले। पता लग रहा 2 मैग्नीट्यूड का तो वो झेल नहीं पा रहा, आपने बिल्डिंग बना रखी है इतनी बड़ी, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिस्मिक असेसमेंट करें अपने घर का, अपने एरिए का, आप देखें कौन से हैं, उस हिसाब से घर बनाएं। ठीक है, स्ट्रक्चरल मिटिगेशन पे कोई ध्यान नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बच्चों को इक्विप नहीं किया जाता उस चीज़ के लिए। देन देयर इज इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कोड्स एंड टाउन प्लानिंग बायलॉज, है ना, पता नहीं लगता। मैं खुद एक जोन 5 एरिया में रहता हूँ, इनफैक्ट जोन 4 एरिया में, सॉरी, तो यहाँ पे मतलब लोगों ने कैसे भी घर बना रखे हैं, मुझे नहीं लगता मतलब अगर 7-8 का किसी दिन आ गया तो टिकेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि जो वहाँ के विकास प्राधिकरण है या डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं या पंचायत हैं, वो देखें कि भैया घर सही तरीके से बनना नहीं बन रहा। आप जो है लोगों को फोर्स मत करो, लेकिन लोगों को अवेयर करो। ठीक है, और अगर कोई सही नहीं बनाना तो उसे फाइन भी करो। देन
देर इज एब्सेंस ऑफ सिस्टम्स ऑफ लाइसेंसिंग ऑफ इंजीनियर्स एंड मैसन्स, मतलब जो मिस्त्री हैं, है ना, कोई ऐसे कोई, अब यार मिस्त्री तो मिस्त्री है, वो उसको क्या पता कि अर्थ को एक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कैसे बननी है, तो वो तो स्ट्रक्चर इंजीनियर बताएगा, ठीक है। और बहुत सारे मिस्त्री होते भी हैं, है ना, एक्सपीरियंस से वो लोग सीख लेते हैं, बट अब ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। देन देर इज एब्सेंस ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट फीचर्स इन नॉन इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्शन इन सबर्बन एंड रूरल एरिया, लैक ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग है, पता नहीं है लोगों को, और प्रिपेयरनेस तो हमारी जीरो है, हमें मतलब अब होने लगी है, डिजास्टर ड्रिल्स करते हैं हम लोग, बट वो भी अभी उतनी एडिक्वेट नहीं है, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसका, कि कैसे हम आगे कैसे चलें, प्रिवेंट तो नहीं कर सकते आप अर्थक्वेक को, रोक नहीं सकते, मैं ऐसा नहीं कि मैं कोर में चले जाऊँ और रोक दूँ कि रुक जाओ, मैं अपने हाथ से जो है एस्टेनोस्फीयर को जमा के आ जाऊँ, अब पूरा अर्थ जो है सिमिलर है, तो वो सही नहीं है, ठीक है। तो आप रोक नहीं सकते अर्थक्वेक को, आप मिटिगेट कर सकते हो, आप अच्छी बिल्डिंग्स बना सकते हो, है ना, आप जोन असेसमेंट करो अपने एरिए का, उस प्रकार वहाँ पे उसी प्रकार के घर बनाओ, अच्छे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स लेके आओ जो आपको बताएं, ठीक है। प्रिपेयरनेस रखो कि अगर अर्थक्वेक यहाँ जो भी हाई रिस्क जोन में उनको पता होना चाहिए अर्थक्वेक आ जाए तो करना क्या है। सबसे पहले होता है कि एक खुले जो अर्थक्वेक का जो सबसे पहला जो स्टेप लेना है आपको, कि घर से बाहर निकल के आपको खुले जहाँ पे आपके ऊपर कुछ ना हो ऐसे एरिया में जाना है, ठीक है। ये तो खैर देसी तरीके से, अब आपको एग्ज़ाम के लिए क्या लिखना है, एग्ज़ाम में आपको अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सिस्टम्स जैसे सिस्मोलॉजिकल सेंटर्स जिनको बोलते हैं वो इस्टेब्लिश करने हैं, आपको GPS का इस्तेमाल करना है कि आप टेक्टोनिक मूवमेंट जो है प्लेट्स की वो देख पाएँ, आपको एक वल्नरेबिलिटी मैप बनाना है कंट्री का कि कौन सी जो एरियाज हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, कौन से कम हैं, वो बनाया हुआ है और उसको लेकिन इंप्लीमेंट भी करना है, ठीक है। आपको मॉडिफाई करना है हाउस टाइप एंड बिल्डिंग डिज़ाइन, उनको जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाना है, है ना। देन इट शुड बी मैंडेटरी टू अडॉप्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइंस, है ना, और आपको ठीक है कम्युनिटी को और पब्लिक को तो आपको एजुकेशन देनी है, उनमें अवेयरनेस फैलानी है, उनको सिखाना है कि क्या करना है और डूज एंड डोंट्स ऑफ द डिज़ास्टर, ठीक है। और सेंसिटाइजेशन करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है कम्युनिटी के लिए, डिज़ास्टर जो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है वो इक्विप्ड होनी चाहिए प्रॉपर, उनके पास इक्विपमेंट होना चाहिए प्रॉपर, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर, उनके पास कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बाहर से अगर कोई मान लिया पैरामिलिट्री कंपनी आ जाए तो उससे क्या वो काम करवाएंगे। एवरीथिंग शुड बी जॉटेड डाउन, देर शुड बी अ प्रॉपर SOP, दैट इज स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर शुड बी देयर, कि हाँ इतने मैग्नीट्यूड का आ जाएगा तो हम ये करेंगे, इतने का आ जाएगा तो ये करेंगे, इतना का आ जाएगा तो ये हो जाएगा, रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, हर चीज़ लिखी होनी चाहिए। देखो जब क्योंकि एट द 10th आर अगर आप प्लान बनाओगे तो उस प्लान में कामयाब निकलनी है, लेकिन पहले से अगर आप बनाओगे थोड़ा सा डिस्कशन होगा तो आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं जब डिजास्टर हिट करता है। अब सेकंड डिजास्टर पढ़ते हैं हम लोग, सुनामी। सुनामी मैंने देखो, सुनामी इंडिया में आई थी सबको पता है, है ना, और बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट था 2004 में वो, ठीक है। और सुनामी आती कैसे, देखो सुनामी क्या हुआ, अर्थक्वेक, अब ये पानी है इसके ऊपर, ठीक है, ये पानी तैर रहा है यहाँ पे। अब क्या हुआ, ये प्लेट है, या तो इसमें एकदम अर्थक्वेक आ गया है, तो अर्थक्वेक से क्या हुआ कि एकदम इसमें मूवमेंट हुई, पानी डिस्प्लेस हुआ, इतना ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर, अभी ग्लास को लेना और ग्लास को हल्के से हिलाना, कितना डिस्प्लेसमेंट होता है पानी का, ठीक है। या वॉल्कोनो फट गया तो तब भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब भाई जो अंदर से माल आया वो कहीं तो जाएगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया वाटर का, और जहाँ भी वाटर का डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेव्स बनेंगे, तो और जब वेव्स वर्टिकल होती जाएंगी तो उसे सुनामी बोल देंगे। दस सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओशन वाटर इन फॉर्म ऑफ हाई वर्टिकल वेव्स आर कॉल्ड सुनामीज और सिस्मिक सी वेव्स, है ना। और 2004 में जो सुमात्रा, वो एक्चुअली सुमात्रा और अंडमान की जो प्लेट है वो आपस में टकराई थी, अर्थक्वेक आया था 9.3 का, उसकी वजह से वो सुनामी जनरेट हुई, ठीक है। और हमने सोचा नहीं था और हम लोग अनप्रिपेयर्ड थे एकदम, मैं आपको केस स्टडी पढ़ाऊंगा आगे तमिलनाडु की, कि कैसे वो विलेज में बहुत कम कैजुअलिटी हुई, क्योंकि हम कुछ मिटिगेट भी कर सकते हैं ना, कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं पहले से कि हाँ हम बचे रहे, ठीक है। दस दैट सुमात्रा अंडमान अर्थक्वेक ऑफ 9.3 कॉज दी 2004 सुनामी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है इंडिया में, देखो दोनों कोस्ट है, 2200 किलोमीटर की हमारी शोर लाइन है और हैवीली पॉपुलेटेड है, और तो हम लोग एक बहुत हाई वल्नरेबल जोन में रहते हैं, सुनामी से बहुत इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि इंडिया की जितनी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कोस्टल एरियाज़ के पास रहती है। इनफैक्ट मैं आज सुबह एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, तिरुवनंतपुरम में मतलब सुनामी तो नहीं है, मतलब वेव एक्शन से ही घर टूट गए, मतलब समुद्र किनारे जो घर थे वो वेव, मतलब वेव इतनी तेज उसमें लगी कि घर ही पूरे उजड़ गए, तो वेव एक्शन भी एक टाइप का डिजास्टर ही है। इफेक्ट्स क्या होते हैं सुनामी के, जो साइक्लोन्स और फ्लड के होते हैं सिमिलरली कुछ कुछ वैसे ही हैं, पानी घुस जाता है, ठीक है, पूरे लैंड में, और उसके बाद पानी जम, कहीं जगह जब पानी जहाँ निकल सकता है वहाँ निकल जाता है, जहाँ पानी नहीं निकल सकता फंस जाता है, ह्यूमंस के लिए लॉस ऑफ लाइफ होता है, कई बार लोग डूब जाते हैं, लॉस ऑफ, जहाँ पानी भर गया वो बिल्डिंग खराब बेकार हो जाती है, ठीक है, और
लोगों के पशु जानवर लाइवलीहुड का नुकसान होता है, वाइल्ड लाइफ का नुकसान होता है, बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र जैसी सी लेवल राइज होता है, काजीरंगा में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। अब काजीरंगा में बाढ़ आई, अब वो बड़ा नेचुरल फिनोमिना है, उसका भी एक कहानी है, कभी और बताएंगे, ठीक है। क्योंकि वो बाढ़ आनी भी बहुत ज़रूरी है फॉर दैट इकोसिस्टम टू सर्वाइव, क्योंकि वो पुश करती है डायनासोरस को दूसरी जगह जाना पे, बट वो एक अलग कहानी है। बट चीज़ें मतलब, लेकिन लॉस ऑफ, वहाँ पे भी लॉस ऑफ फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है जब वो फ्लड आता है, ठीक है। मिटिगेशन मैकेनिज्म्स इंडिया में क्या है? सबसे पहले तो भैया एक सुख थांकर कमेटी थी, उन्होंने बोला कि आप एक तो एक नेशनल पॉलिसी और फॉर कोस्टल जोन मैनेजमेंट बनाएं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि आप एक इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम सेटअप किया उन्होंने, कहाँ पे? INKOS में। INKOS क्या है कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, जो कि हैदराबाद में है। तो उन्होंने बोला कि डेडिकेटेड सेंटर जो पढ़े सुनामी को, समझे सुनामी को प्रॉब्लम क्या है, जो डेटा है उसको कलेक्ट करता है। क्योंकि ये देखा गया है कि अगर आप इनिशियली, अब वो जनरेट तो समुद्र के बीच में होगी ना, तो आपके पास कुछ समय है जब तक वो आप तक पहुँचेगी, तो आप उस समय को यूटिलाइज करके बहुत सारी जानें बचा सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है, अब वो वही तभी होगा जब आप रेगुलर डेटा पढ़ते रहेंगे। इसलिए अलग अलग जगह आपने देखा कभी वो ट्यूब में वो सेंसर से तैर रहे होते हैं, है ना, अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो क्योंकि अगर कोई भी वेव एक्शन होता है बड़ा, तो वो उसे कैप्चर कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये ITEWCE है जो सुनामी एडवाइजरी प्रोवाइड करता है हमारे मेनलैंड को भी और जो आइलैंड रीजन्स हैं उनको भी, हम लोग और देशों को भी। ऐसा कुछ नहीं कि अरे भैया हमें पता लग गया हम दूसरों को नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग एक जो रीजनल कॉपरेशन है उसके तहत जो है और लोगों को बताते हैं कि ठीक है सर ऐसे ही मूवमेंट्स देखी गई हैं, और लोग, क्योंकि ऐसी सब चीज़ें आप इंटरनेशनल कॉपरेशन से ही काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। किसी के पास कुछ डेटा हो, देखो कोविड में कितना अच्छा हम लोगों ने आपस में शेयर किया डेटा, तभी हम लोग एक इफेक्टिव वैक्सीन निकाल पाए जल्दी जल्दी, नहीं तो अगर हम लोग आपस में ही लगे रहते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो इसलिए बहुत अच्छी कहावत है कि यूनाइटेड वे स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, तो है ना, एकता में ही हमारी खुशी है, एकता में ही अनेकता है, ठीक है, अनेकता में ही एकता है, सॉरी गड़बड़ हो गई हिंदी, ओवर द टाइम कमज़ोर हो गई है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, बट कोशिश करूँगा कि इम्प्रूव करूँ, ठीक है। तो कंपोनेंट्स क्या हैं, तो वैसे बहुत ज़रूरी नहीं है बट हम लोगों ने सोचा पढ़ा देते हैं कि इंडियन अर्ली वार्निंग सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है। पहले आपने एक सुनामी वार्निंग सेंटर बनाया और उसको, और वो जो होता है वो कनेक्टेड रहता है किससे, इनसैट जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स होती हैं उनसे। आप जो है डेटा कलेक्ट करते हैं, हिस्टोरिकल डाटा देखें, बैथोमेट्रिक डाटा देखें, वो बैथोमेट्रिक मतलब आप ओशन की डेप्थ कितनी है वो नाप रहे हैं, ठीक है। कोस्टल की टोपोग्राफी देखें कि कहाँ पे मिड ओशनिक रिज हैं, कहाँ पे प्लेन हैं, ठीक है, कहाँ पे स्पाइक्स हैं मतलब माउंटेन्स हैं, कहाँ पे आपका वॉल्केनो है, कहाँ पे डिवाइड है या रिफ्ट है, कहाँ पे ट्रेंच बना हुआ है, ये सब आप टोपोग्राफी चेक करें। देन कोस्टल वल्नरेबिलिटी चेक करें, कहाँ पे कितने लोग कोस्ट के कितने क्लोज रहते हैं कि अगर सुनामी आ जाए या कोई भी डिजास्टर आ जाए तो उसको कितनी जल्दी से हम लोग इवैक्यूएट कर सकते हैं। उसके इस डाटा के बेस पे आप न्यूमेरिकल मॉडलिंग कर सकते हैं कि सुनामी आई तब क्या करना है और स्टॉर्म सर्ज आई तब क्या करना है, ठीक है। और मिटिगेटिंग फैक्टर में आप लोग क्या कर सकते हैं कि रडार बेस्ड कोस्टल मॉनिटरिंग स्टेशन लगा सकते हैं, ठीक है, टाइड गॉज लगा सकते हैं नेटवर्क रियल टाइम के, ठीक है। देन अपर ओशन सरफेस मेट्रोलॉजिकल ओशन ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, है ना, बॉटम प्रेशर रिकॉर्ड कर सकते हैं इन सुनामीजेनिक जोन, जहाँ पे आपको लगता है कि सुनामी आ सकते हैं, वो तैर रहे होते हैं ना जो डॉट्स है वो देखते रहते हैं। देखो यार टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो गई कि आज ह्यूमंस कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, और उस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल होना चाहिए, तो ये उसका सही इस्तेमाल है। और एक नेटवर्क बनाया आप लैंड बेस्ड सिस्मिक स्टेशन का, ठीक है, एक मान लिया मालदीव्स में है, एक इंडोनेशिया में, एक इंडिया में, तो ये आपस में कोऑर्डिनेटेड रहने चाहिए कि कोई भी डाटा इनके पास लोकेशन दिखती है तो ये आपस में जल्दी जल्दी कोऑर्डिनेट कर सकें, ठीक है। देन क्रिटिकल एरियाज ऑफ कंसर्न फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सुनामीज इन इंडिया, प्रॉब्लम क्या है इंडिया में सुनामी मैनेजमेंट की? देखो सबसे पहले तो कि सुनामी का हम लोगों ने एक ही बार फेस किया है, टू बी टेक्निकली वेरी ट्रू, ठीक है। तो ईजी एक्सेसिबिलिटी नहीं है सुनामी डॉक्यूमेंटेशन की, अभी भी पेलियो सुनामी स्टडीज़ को प्रॉपर नहीं है हमारे पास, पेलियो मतलब जो फॉसिल बेस्ड एविडेंस हैं सुनामी के वो हमारी ढंग से नहीं है, बहुत कम रिसर्च होती है उस चीज़ पे। देन देर इज़ हाई लैक ऑफ हाई रेजोल्यूशन नियर शोर मैथमेटिक एंड टोपोग्राफिक डेटा, हमें मतलब जो हमारे अराउंड ओशन है उसकी टोपोग्राफी नहीं पता, बस डेप्थ पता है कि हाँ अब इम्प्रूव हो रहा है, बट दीज आर दी नेगेटिव, उसको और इम्प्रूव करना। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं है, हमारे पास टोपोग्राफिक डेटा है नहीं है, मैथमेटिक डेटा है नहीं हमारे ओशंस का है, बट उसको आपको ओवर टाइम इम्प्रूव करना है और रिफाइन करना है और क्या बोलते हैं उसे किलर बनाना है, ठीक है। देन देर इज ऑफकोर्स इन एडुकेट अवेयरनेस है ना,
एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। लोगों को पता नहीं लगता, लोगों को अगर आप बोल दो यार सुनामी आने वाली है, लोग बोले अच्छा सुनामी आने वाली है, क्या होगा सुनामी आ जाएगी तो ऐसा नहीं है। लोगों को पता होना चाहिए कि यार देखो सुनामी आने वाली है, हमें यहाँ से निकलना है ना, जो भी हमारे एसेंशियल्स हैं। देखो तो SOP आप वल्नरेबिलिटी चेक करें। अब मैं बोलूँ कि आप जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, उनमें अगर सुनामी के लिए लेके अवेयरनेस नहीं भी होगी तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि उनकी ज्योग्राफी नहीं है वैसी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कभी सुनामी उन्हें हिट कर जाए, टेक्निकली मतलब मैं तो नहीं सोच पा रहा हूँ सिचुएशन, बट जो कोस्टल एरियाज है उड़ीसा आपका, आंध्र प्रदेश, ठीक है, देन आपका नीचे तमिलनाडु, इधर आपका केरला, महाराष्ट्र, गोवा है ना, कर्नाटका, ये सब क्या हैं, ये सब ओशन के करीब हैं। तो इनमें बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के जो एटलीस्ट जो कोस्टल लोग, 50-100 किलोमीटर तक या 150-300 किलोमीटर तक जो लोग अंदर थे, उनको कम से कम पता होना चाहिए कि सुनामी क्या होती है, सुनामी का जैसी वार्निंग आएगा तो आपको क्या करना है, और अगर सुनामी हिट कर गई आपको बाई चांस तो मिट्टी आपको कैसे रहना है, कौन आप कब आपको इवैक्यूएट किया जाएगा, कैसे कैसे, तो आपकी वहाँ पर ट्रेनिंग ड्रिल्स और अवेयरनेस आपको फैलानी है। वे फॉरवर्ड क्या है, पहले तो आप कैपेसिटी बिल्ड करें स्टेट गवर्नमेंट्स की और इंडिविजुअल स्टेट्स की, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट टू स्टेट मैंने आपको दिखाया वेरी करता है। इनफैक्ट एक MS स्वामीनाथन कमेटी थी, उन्होंने बोला कि आप मैंग्रोव जो वेटलैंड है उनको रीजनरेट करें। एक्चुअली होता क्या है, पेड़ जो है वो एक ब्रेक पॉइंट की तरह काम करता है सुनामी के लिए। भाई वेव आई, जब वो पेड़ से टकराती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो वो ज़्यादा दूर तक जाती है, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती, प्लस उसकी जो स्पीड होती है, जो उसका इफेक्ट होता है या फोर्स होती है, वो भी कमज़ोर हो जाती है। दस मैंग्रोव वेटलैंड्स शुड बी रीजनरेटेड। देन आप जो वेरियस प्लांटेशन है, तो बेसिकली उन्होंने सारी बात वही करी कि जो प्लांटेशन है, जैसे बहुत सारी कोस्टल प्लांटेशन होती हैं, जैसे कोसेरिनास, सेलिकोनिया, पाम, बैम्ब्यू, आप इसे जो है रीजनरेट करें, लगाएं वहाँ पे, है ना। जैसे हम कई बार आपने सुना होगा कि सुनामी बात भी चलती है, कोस्टल बेल्ट बनाएं, ग्रीन कोस्टल बेल्ट बनाएं, वहाँ पे पेड़ लगाएं, पाम के ट्रे लगाएं, क्योंकि ये जो है इट एक्ट्स एन इफेक्टिव बायोशील्ड एंड प्रोटेक्ट दी कोस्टल कम्युनिटीज, ठीक है। ऐसे ही ग्रास बेल्ट लगाएं, कोस्टल फॉरेस्ट लगाएं, ठीक है, जियोमॉर्फिक फीचर्स बनाएं, सैंड ड्यून्स, बीचेस, इनको क्लिफ्स को प्रोटेक्ट करें आप, जो जियोमॉर्फिक फीचर्स ऑलरेडी बने, क्योंकि ये एक्ट, इट एक्ट्स एज एन बैरियर, इट ब्रेक्स द स्पीड एंड फोर्स ऑफ द वेव। देन ऑलवेज यू शुड स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल हैजार्ड्स इन कोस्टल एंड मरीन एरियाज, शुड बी अकाउंटेड यू नो व्हाइल फ्रेमिंग द पॉलिसीज मैनेजमेंट स्कीम्स फॉर दैट पर्टिकुलर, क्योंकि स्कीम जो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं चलेगी। हर एरिया के लिए, इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है कि हर एरिया के लिए हमें अलग स्कीम चाहिए। मैं एक बहुत अच्छी स्टडी बताता हूँ, एक नल्लुवेदा पट्टी विलेज था तमिलनाडु में, वहाँ पे 80,244 ट्रीज लगे हुए थे, और ये देखा गया वहाँ 2002 में वो पेड़ लगाए गए थे, और 2004 में जब सुनामी आई तो वहाँ मिनिमल डैमेज हुआ। तो ये बड़ा एम्पेरिकल, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, ये बड़ा एक अच्छा एग्जांपल है ये बताने के लिए कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए कोस्टल बेल्ट्स, ग्रीन कोस्टल प्लेट्स को लगाना। तो दैट वाज ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड वी शैल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, कीप हेल्दी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अल्फा एस अकेडमी। बाय बाय।